आए गए समूह के बैठक ले? आए गए काहिन काहिन बताया? बताए चर्चा चालन और काहिन काहिन साहब आए रहे हैं। हाँ बाहर ले जी कहाँ ले भाई। हाँ तो काहिन बताइन उनका है एक ठीकड़ बारी में पौधा लगा हुआ आम के ऐसे कहा। हाँ तो कितना पौधा अब बता ही फिर कल तो छोटी बाई की है जो कसा बाई ने तो हाँ लेवाट जो को डाल थे। हाँ तो कल जाबो तो हाँ। समझ ले बे हाँ। तो फिर और गांव के न भी बलाई ने हाँ जाए चला पर ही हमारे नाने फायदा की चीज बताते हैं तो ठीक है ना कल जाबो ना तो जाबो ता हाँ कट्टे गया होगा हवन का घर है मगा जराम जी का भैया जराम जी जराम जी जराम जी का जराम साहब आया वो कहाँ गए ले आउट दे लता कतना जुआ रहे यहीं ने का जहाँ भी साहब वो कहाँ गए। हाँ तो ल देख के लाया है हमें का कसना कसना ले आउट लेते हाँ तो साहब वहीं तो साथ है देख बो हाँ दीवार डलवा बो हाँ दीवार डलवाई के बाद गड्ढा फिर कोल बो बताही ता हाँ ने हाँ कतना कतना के गड्ढा खनवाही कतना मीटर रही कतना गड्ढा रही हाँ 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 चली तगा साहब तो आते हैं चे अब यहाँ खेत में चली। हाँ चली तक खेत में चली चली खेत में चली ये खेत में गा वहाँ ले रहे थे यहाँ ले। हाँ डलवा हो इसे। हाँ नहीं ठीक है बढ़िया है बस कल ऐसे हवा फिर वाह है वहाँ ले। हाँ 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 ये क्या है भाई। हाँ ठीक जयराम जी दादा जयराम जी साहब जयराम जी जयराम साहब जयराम साहब जयराम साहब ने आओ साहब बहुत रास्ता रहा है साहब तो बहुत रास्ता नहीं थी पर ये थी हां क्या हो गया फिर यही खेत है हां यही खेत है साहब वहां ले चला गया थे वहां ले आ हां यहां पानी वानी तो नहीं भरता पानी तो नहीं भरे साहब अच्छा है यार अच्छी है वैसे अच्छी दिख रही है जी हां दिक्कत नहीं है जी ठीक है अपन अभी यहां इसमें लॉक कर देते हैं जी हां जी साहब दादा ये जो अपने वो जो लाल लाल लिखी है ना उसकी कपड़ा है वो 10 मीटर की दूरी पे है ठीक है। हाँ हाँ तो उसी के हाँ दादा ये जो कपड़ा लगा है ना अपना सफेद वाला है यहाँ लगा हुआ सर 10 मीटर की दूरी है जैसे जैसे ये सफेद कपड़ा जहाँ जहाँ दिखता है वहाँ जाओ और पूरी खुट्टी लगा देना है ठीक है। हाँ सर बस और फिर उसी के अनुसार अपन को गड्ढा करना है जी हाँ सर ये बीच में रहेगा जी हाँ और फिर आप पहले खुट्टी लगा दो जाओ जी पूरे सफेद सफेद वाले पे लगाओ लाल वाले पे नहीं लगा रहा ठीक है। ठीक है दादा ये जो है अपना निशान बनाता है यहाँ पे ठीक है तो इस निशान के अनुसार ये जैसे बीच में रहेगा ठीक है निशान बीच में रहेगा इसके अनुसार अपन को ये 1 मीटर ऐसे यहाँ पे नापना है तो ये 1 मीटर की अपन एक लकड़ी बना देते ठीक है जैसे 1 मीटर की ये लकड़ी बन गई इसके बाद क्या करना है अपन को बिल्कुल ऐसे निशान के बीचों बीच रखो इसको ये लकड़ी को ठीक है ऐसे बीचों बीच रख दिया फिर चारों तरफ से ऐसे निशान बनाया और इधर से रख दिए ऐसे इधर से भी निशान लगा लो ठीक। ये जो है अपना 1 मीटर का दूरी हो गई ऐसे बीच में रख दो इसको और फिर चारों दोनों तरफ से ऐसे निशान कर दो ठीक है उसके बाद और दूसरी तरफ से ऐसे रख दो बीच में और इसको निशान ये देखो चारों तरफ से ऐसे मिलाते जाओ जी ऐसे चारों तरफ से मिला लेना इसको जी। ये हो गया अपना पूरा 1 मीटर के गड्ढे का निशान जी। इसी के अंदर अपन को खुदाई करनी है जी हाँ। अब खुदाई करते समय ये ध्यान रखना है जी। जैसे अपन खुदाई करेंगे जी तो पूरी मिट्टी जो है एक साथ नहीं रखनी है जी हाँ। है ना जी। 3 फीट
एक मीटर मतलब होता है तीन फीट जी हाँ, तो तीन फीट की मिट्टी अलग अलग निकल जाएगी जी हाँ, जी इसमें क्या है कि ऐसे नाप लेना अपना एक मीटर, जैसे एक मीटर की मिट्टी निकल जाती है जी हाँ, तो अपन कैसे करेंगे जी हाँ, जहाँ से सूरज निकलता है जिस साइड से सूरज निकलता है ना जी हाँ, उस साइड में डाल देंगे ठीक है। पहले पहले फीट की मिट्टी जी हाँ, जी हर गड्ढे की वैसी डालनी है ठीक है। दूसरे फीट की निकलती है फिर इस साइड में डाल दो ठीक है। तीसरे फीट की निकलती है इस साइड में डाल दो हाँ। ये हो गई अपनी तीन फीट की मिट्टी मतलब हाँ। एक मीटर की मिट्टी। ये क्यों करेंगे अपन, जब अपन गड्ढे भरेंगे उस समय क्या होगा, पहले इसमें दवाई डाल देंगे हाँ। फिर उसके साथ खाद मिलाएंगे हाँ। और ये जो पहले जो निकली मिट्टी है वो अपन पहले डाल देंगे हाँ। बीच के बीच में रहेगी ठीक हाँ। है जो ऊपर निकली नीचे निकली थी वो ऊपर आ जाएगी। इस प्रकार से अपन का पूरा गड्ढा भी भर जाएगा ठीक हाँ। है तो ये बात ध्यान रखो और बिल्कुल उसी तरह से सभी गड्ढे की मिट्टी ऐसे ही फेंकनी है। पहले फीट की सूरज निकलता है उस साइड, दूसरे फीट की दूसरे साइड, तीसरे फीट की तीसरे साइड हाँ। समझ गए हाँ। इतना कर लोगे हाँ। इतना करने के बाद पूरे 50 गड्ढे हो जाते तो हमें बता दो ठीक हाँ। है जी हाँ। फिर अपन उसका ट्रीटमेंट करेंगे हाँ। गड्ढे खनने के लिए कुछ सामान वगैरह देते हैं का साहब? हाँ अच्छी बात पूछी, हम भूल गए थे यार बताएं। क्या है जब आप गड्ढे खोदेंगे ना उस समय बढ़िया आपको एक फावड़ा मिलेगा, एक तगाड़ी मिलेगी, एक गेती मिलेगी और एक सबल मिलेगी है ना। तो ये चार चीजें आपको गड्ढे करने के लिए मिल जाएगी, वो भी पूरे अनुदानित है, पैसा वैसा आपका नहीं लगेगा। उसके साथ साथ गड्ढे भी करते हो ना तो उसका भी कुछ अंशदान मिलेगा आपको, ऐसा पूरा कीमत नहीं मिलेगी लेकिन आधा भुगतान आपको हो जाएगा। जैसे 1500 के आधे जैसे जितने बनते हैं ना उतने वो आपको मिल जाएंगे गड्ढे करने ठीक है। उसके साथ साथ गड्ढे भराई के लिए आपको खाद भी मिल जाएगी, जिसमें खाद में क्या है एक सिंगल सुपर फास्फेट मिलेगी, एक बोन मील मिलेगी जी, जो बोन मील मतलब हड्डी की खाद होती है हाँ। और एक नीम की खली मिलेगी जो कड़वा नीम होता है ना, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। इसके हाँ। साथ साथ एक क्लोरोपाइरी खास करके एक दवाई आती है हाँ। जो गड्ढे में आप छिड़काव करेंगे जी। तो वो भी आपको मिल जाएगी जी हाँ। ये सभी चीजें आपको अनुदान है, पैसा वैसा नहीं लगेगा ठीक है जी हाँ सर। और सब्जी वगैरह का बीज वगैरह नहीं मिली सर? उसके साथ साथ अपन सब्जी का बीज भी लगा देंगे बीच बीच में, वो भी मिल जाएगा। खाली छेड़ा है जब खाली नहीं रखेंगे उसको पूरा का पूरा अपन पूरा खेत में सब्जी लगा देंगे, वो भी बीज आपको पूरा अनुदान, जो भी चीज मिलेगी आपको अनुदान ठीक है। आपको थोड़ी मेहनत करनी है, अभी हम जा रहे हैं ठीक है जी हाँ सर। धन्यवाद धन्यवाद आपको सर, बहुत हम धन्यवाद। बताइए या पहले फिट के मिट्टी लदी लुकती धर था मैं हाँ। ये पूरी मिट्टी हाँ। एक है तरफ पर एक फिट के हाँ हाँ। या दूसरा फिट के मिट्टी कड़ाई कर था मैं कितना के बताए दूसरा फिट हाँ हाँ हाँ। दूसरा फिट किया या तो इसको दक्षिण साइड डालने है ला हाँ। ये इसका मिट्टी ला हाँ हाँ। दक्षिण साइड हक मेला ने हाँ। या तीसरा फिट के मिट्टी आया ने या साइड डाल वो अच्छा। तीसरा फिट के लगाते पट्टी फेंक वो या दिन बुढ़ती पट्टी अच्छा दिन बुढ़ती पट्टी हाँ।
एक मीटर के गड्ढा है गई सब। हाँ या गड्ढा कोड़े हन हाँ लसने रहन देबो हेला। हाँ तो काइन खाई लसने लागबो वो कीड़ा मकोड़ा के कस जीवाड़ी है। हाँ गर्मी में हाँ हाँ खत्म है जात है उन। हाँ कितना दिन रही या गड्ढा खुला भार। हाँ तक रही या एक महीना ना एक महीना तो फिर गांव में हाँ। सुखा जाए कीड़ा मकोड़ा मर जाए। हाँ हाँ देखा माल सुखा जा पड़ता है। हाँ सभी दर्शक बंधुओं को मोर तरफ से राम राम। मेरा नाम अंगद सिंह मरावी है। मैं ग्राम सिंघवारा जामटोला से रहने वाला हूं। मोर संकुल समनापुर पड़ता है। मैं बायोप डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बाड़ी कार्यक्रम में काम करतूं और आप सबको निवेदन है कि इस बाड़ी कार्यक्रम में भाग लेकर अपने आय की स्रोत बढ़ा सकें। मेरे गांव से लगभग 15 कृषक बंधु इस बाड़ी कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। आप सबको धन्यवाद। राम राम। मैं सुखदेव सिंह कुशराम जामुन टोला सिंघवारा का रहने वाला हूँ। मैं इस बाड़ी कार्यक्रम में मैं भी शामिल हूँ और काम कर रहा हूँ और भी लाभ उठा रही हूँ। मोर नाम मतिया बाई मरावी। मैं ग्राम सिंघवारा जामुन टोला के रहने वाला हूँ। मैं गंगा महिला स्वसहायता समूह के अध्यक्ष संकुल समनापुर जिला डिंडोरी। मैं बाड़ी परियोजना में जुड़ के काम करती हूँ।